नमस्कार दोस्तों, नॉर्थ गोवा एक भीड़ भाड़ वाला एरिया है। गोवा में सबसे ज़्यादा रौनक नॉर्थ गोवा में ही होती है और ख़ास करके बागा बीच और कलंगुट बीच पर ही होती है। गोवा का बागा बीच भी हमेशा लोगों से भरा होता है, यहाँ पर सबसे आसानी से भी पहुँचा जाता है। बागा बीच, कलंगुट बीच और कैंडुलम बीच से गोवा को एक्सप्लोर करना बहुत ही आसान हो जाता है। कितना सुंदर है ना यहाँ का सनराइज देखिए। सवेरे सवेरे समुंदर की लहरें और उगते सूरज का दर्शन इंसान को एकदम तरोताजा कर देता है। बागा बीच गोवा का सबसे भीड़भाड़ वाला बीच है। मैं कोरोना के समय में आया था, इसलिए यहाँ उतनी भीड़ नहीं है। इस बीच के पानी में उतरना भी और मौज करना भी पूरी तरह से एकदम सेफ है। यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग इंसान भी पानी में उतरकर आनंद ले सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा डीप नहीं है यहाँ पर, बहुत दूर तक भी डीप नहीं है। समुंदर के बाजू में एक छोटा सा पहाड़ इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाता है। यहाँ का रात का नज़ारा काफी रंगीन होता है, जो मैंने इसी वीडियो में आगे बताया है, उसे जरूर देखें। बागा बीच और कलंगुट बीच दोनों भी नजदीक होने के कारण यहाँ से आप कलंगुट बीच पर पैदल भी चलकर जा सकते हैं। बागा और कलंगुट बीच पर बहुत ही आसानी से पहुंचा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर काफी भीड़ भी होती है। यहाँ पर काफी अच्छे फोटो और वीडियोस आते हैं। यहाँ पर कोई भी एंट्री फीस नहीं है और साथ में यहाँ का मार्केट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। रात में भी यहाँ पर मार्केट रहता है। यहाँ पर काफी अच्छे फोटो और वीडियोस आते हैं। पानी में खुद आनंद लेने के साथ साथ यहाँ पर अलग अलग वाटर स्पोर्ट्स का भी भरपूर मजा लिया जा सकता है। यहाँ पर एक एक वाटर स्पोर्ट्स करने के बजाय उनका कॉम्बो पैक आप सस्ते में ले सकते हैं। शाख पर बैठकर समुंदर की तरफ देखना और खान पान करना भी यहाँ पर अलग मजा देता है। यहाँ पर सवेरे सवेरे फिश मार्केट भी लगता है, जहाँ पर काफी सस्ती फिश मिल जाती है।
यहाँ पर शाम को समुन्दर का अलग ही रूप देखने को मिलता है। यहाँ की रेत पर नंगे पाँव चलना और समुन्दर को देखना, पूरी लहरों का आनंद उठाना, यह जो है पूरे दिन की थकावट को पूरा कम कर देता है। यहाँ पर शाम होते ही नाइट लाइफ सजने लगती है। बागा बीच पर टीटोज लेन बहुत पॉपुलर है ऐसे नाइट क्लब्स के लिए, जहाँ पर टीटोज, मैम्बो और कॉकटेल जैसे क्लब रात भर मस्ती के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पर रातों को रंगीन करने के लिए काफी भीड़ होती है और हर कोई यहाँ पर आना चाहता है। डांस, मस्ती, खाना पीना, हर बात को यहाँ पर एंजॉय किया जाता है। यहाँ पर सीजन के हिसाब से 2000 से लेकर 7000 तक पर कपल को खर्चा आ सकता है। समुद्र किनारे अनेक ओपन डांसिंग फ्लोर्स भी होते हैं, जहाँ पर फ्री में डीजे और डांस का भरपूर मजा लिया जा सकता है। यहाँ का हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेशन बहुत ही देखने लायक होता है। हैप्पी न्यू ईयर का अलग से मैंने वीडियो बनाया है, उसे जरूर देखें। दोस्तों अभी भी क्या सोच रहे हैं? भर लो बैग और चलो चल ले आओ गोवा। तब तक मैं अगले वीडियो की तैयारी करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।